हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विशिखा में। कैसे हैं आप सब? आई होप आर यू डूइंग वेल, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसी आशा के साथ मैं आज का ब्लॉग शुरू करती हूँ। आज का ब्लॉग है, आज मेरा भतीजा हो गया है 8 मंथ का। आज हम लोग उसका बर्थडे 8 मंथ बर्थडे सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं, तो कुछ भी हम बाहर से परचेज नहीं करेंगे, केक को छोड़ के सब कुछ हमने जो घर पे चीज़ें हैं उसी से DIY करके बनाएंगे। तो चलिए, आपके घर में भी अगर छोटे बेबीज होंगे तो आपको जरूर आइडिया मिलेगा। तो हम 8 नंबर बनाते हैं। तो यहाँ पे लिया हमने सिल्वर पेपर, अब इस पर हम स्टार शेप कट करेंगे। तो मैंने एक ये स्टेंसिल कट कर लिया है ऐसे, अब इसी से हम फटाफट से स्टार कट कर लेंगे। इसको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट पेपर ले लिया है ब्राउन कलर का, आप ब्लैक लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मेरे पास ब्राउन ही था। और इस पर हमें एक सर्कल चीज चाहिए, कुछ भी आप ले सकते हैं, थ्रेड वगैरह कुछ भी। तो मैंने यहाँ पे एक अपना DIY यूज किया, ये सर्कल में था, तो इससे हम सर्कल मार्क कर लेंगे, एक सर्कल इस तरीके से। और इसको इधर रख के सेम ऐसे कर लीजिए। तो इस सर्कल के से छोटा सर्कल हमें रखना है, तो यहाँ पे भी मैं एक बॉक्स यूज कर रही हूँ, बस इसको आप मार्क कर लीजिए इस तरीके से बीचों बीच। अब इसको ये बीच वाला पार्ट हम कट कर लेंगे और 8 नंबर को कट कर लेते हैं। इस तरीके से हमने कट कर लिया है, अब इसके बीच का भी सर्कल हम निकाल देंगे। यहाँ पे हमने 8 नंबर कट कर लिया है, जिसपे स्टार को हम पेस्ट करेंगे। इस तरीके से हम स्टार लेंगे और ऐसे इसको पेस्ट करते जाएंगे। सबसे पहले हम बीच से शुरू करेंगे, यहाँ पे एक गोल्डन हम लगाएंगे, गोल्डन कलर का स्टार जो हमने कट किया है ये लगा देते हैं। और फिर एक इस कॉर्नर पे एक यहाँ पे गोल्डन लगा देंगे। बीच में स्पेस जो है यहाँ पे ये छोटे सर्कल हमने कट किए हैं, इनको पेस्ट कर देंगे इस तरीके से। तो ये छोटे स्टार इसके ऊपर हम पेस्ट कर देंगे। और ये गोल्डन कलर के मेरे पास कुछ स्टार टाइप की चीज़ थी, स्टार जैसा ही है। यहाँ पे मैंने दूसरा लिया और फिर इसको सेम स्टार जैसे वो बना हुआ है बस ये पेस्ट कर दिया। तो बनकर तैयार हो गया हमारा 8 नंबर। अब इसको हम चलिए रूम में लगाते हैं, ये ब्लैक टेबल है इसलिए उतना अच्छा आ नहीं रहा है, अब वहाँ पे लगा के देखते हैं कैसा लगता है। तो ये हमारा नंबर 8 बनकर तैयार हो गया है। ये ब्लैक बोर्ड होने की वजह से इतना क्लियर आ नहीं रहा है, इसको मैं बेडशीट पे जब लगाऊंगी तो आप देखिएगा ये लुक वाइज कैसा लगता है। मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है, आपको कैसा लग रहा है कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये रहा वो 8 जो हमने बनाया था, कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे तो बहुत ही सुंदर लगा, आपकी मेहनत बताई तो अच्छा लगेगा ही। और ये रहा रेनबो, तो ये हम लगा देंगे बलून। तो ये लगाए, तो यहाँ पे हम क्लाउड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें यहाँ पे हमने एक दूसरे के साथ बलून को ऐसे फिक्स कर दिया है। एक आई होप आप हमने क्लाउड बना लिया है, कैसा लग रहा है? डेकोरेशन डन। और ये है हमारे बच्चे का केक, और ये रहा हमारा क्यूट सा बेबी। कैसा लग रहा है? सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपको हमारे इस डेकोरेशन से कोई आइडिया मिला होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर इस टाइप के आप और भी आइडियाज़ चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम कुछ नया और इंटरेस्टिंग लेके आएंगे आपके लिए। और नेक्स्ट मंथ 9 मंथ का बेबी होगा तो उसका भी सेलिब्रेशन हम करेंगे, और कैसा हम करते हैं और क्या नेक्स्ट DIY होगा वो ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।